तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए एंड बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कुछ चिटाई की फोटो एडिटिंग, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ओसम सी लग रही है। तो अगर आप भी कुछ चिटाई की फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हो। बस क्या करना फ्रेंड, आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और आपको बीच में बिल्कुल भी वीडियो को काटना नहीं है, ठीक है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। एंड फ्रेंड, इस वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने किसी फोटो को सिर्फ एक क्लिक में कैसे एडिट कर सकते हो। लाइक आप इस वाली फोटो को देख सकते हो, तो ये वाली फोटो पहले कुछ इस टाइप की थी और सिर्फ एक क्लिक करने के बाद आपकी फोटो कुछ इस टाइप की एडिट हो चुकी है, ठीक है। और आपको कोई कलर ग्रेडिंग नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक क्लिक करना है और आपकी फोटो कुछ इस टाइप की एडिट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। एंड उससे पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले वो आपके पास जाएगी, ठीक है। एंड वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैंने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने पिक्सार टाइप का ओपन कर लेना है, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा प्लस वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पे एडिट फोटो पे क्लिक कर देना है। देन क्या करें फ्रेंड, आपको यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड चूज कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ चूज कर लूँगा। एंड मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं जितने बैकग्राउंड और पीएनजी का यूज़ करूँगा आपको उन सब की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इन्हें वहाँ से बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन आपको साइड में जाना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एड फोटो वाला, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देन क्या करना फ्रेंड, आपको यहाँ पे ये वाला पीएनजी ऐड कर लेना है, ठीक है, लड़की वाला, यहाँ से इसे ऐड कर लेंगे और इसे यहाँ पे साइड में इस टाइप से लगा लेंगे, ठीक है। सिर्फ अभी लगाना है, एडजस्ट हम बाद में करेंगे, इस टाइप से कर लेंगे। देन फ्रेंड आपको फिर से यहाँ पे जाना है ऐड फोटो पे और आपको यहाँ से अपनी कोई फोटो चूज़ कर लेनी है जो कि आपको एडिट करनी है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से इस वाली फोटो को ऐड कर लूँगा। तो फ्रेंड अब क्या करना है, आपको इस वाली फोटो का बैकग्राउंड निकालना है, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको इरेज करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ साइड में जाना है एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कटआउट वाला, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड आपको यहाँ पे पर्सनल वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका जो बैकग्राउंड होगा बहुत अच्छे तरीके से ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। फ्रेंड आपको यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आपका जो बैकग्राउंड होगा ऑटोमेटिक बहुत अच्छे तरीके से इरेज हो चुका है। तो फ्रेंड क्या करना भाई, आपको यहाँ पे इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इस टाइप से एडजस्ट करना है कि देखने में अच्छा लगे। तो जैसे मैं इसे यहाँ पे लड़की वाले पीएनजी को थोड़ा सा साइड में ले आऊँगा, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से कर लूँगा और मैं यहाँ पे अच्छे से इसे एडजस्ट कर लूँगा। फ्रेंड क्या करना है भाई, आपको यहाँ पे कर देना है फिर राइट वाला ऑप्शन में क्लिक, ठीक है, इतना काम कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड फोटो वाला, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पे एक पीएनजी मिलेगा पेड वाला, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से फटाक से ऐड कर लूँगा और यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है। देन क्या करें फ्रेंड, आपको यहाँ पे साइड में इस टाइप से लगा लेना है या फिर इसे इधर साइड लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी बिंदास लगेगा देखने में। डेफिनेट क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा सा डार्क करना है, मतलब इसको थोड़ा सा ब्लैक करना है, तो वहाँ पे साइड में जाएंगे और यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका बैकग्राउंड से मैच हो जाएगा, इतना कर लेंगे। देन आपको यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है, और यहाँ से साइड में कर लेंगे थोड़ा सा। देन आपको फिर से राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। डेफिनेट आपको फिर से ऐड फोटो पर जाना है और आपको यहाँ पे पीएनजी मिलेगा शैडो वाला, तो मैं उसे यहाँ से फटाक से ऐड कर लूँगा। एंड क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फोटो को बराबर का कर देना है इस टाइप से और यहाँ से इसकी कैपेसिटी को थोड़ा सा यहाँ से कम कर देंगे, जिसे थोड़ा सा नीचे कर लूँगा और यहाँ पे कैपेसिटी को मैं पूरा फुल कर लूँगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। तो इतना काफ़ी विंदास लग रहा है। डेफिनेट क्या करना भाई, आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, इतना काम कंप्लीट हो चुका है। डेफिनेट क्या करना है, आपको फिर से ऐड फोटो पर जाना है और इस बार आपको यहाँ पे पीएनजी मिलेगा मैरी क्रिसमस वाला, तो मैं इसे यहाँ से ऐड कर लूँगा। और क्या करना है, पहले इसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ से क्रॉप कर लेंगे, यहाँ पे क्रॉप वाला ऑप्शन में जाकर यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पर रेड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। फ्रेंड क्या करना है, आपको इसका जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है वो आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको वेबसाइट में जाना है एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ब्लेंड वाला, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसे स्क्रीन कर देंगे इस टाइप से, ठीक है, और इसे यहाँ पे नीचे इस टाइप से लगा लेंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर रेड वाला ऑप्शन में फिर से क्लिक कर देना है। देन आपको फिर से ऐड फोटो पे जाना है और इस बार आपको यहाँ पे एक पीएनजी मिलेगा स्नो वाला, ठीक है, तो इसे यहाँ से ऐड कर लेंगे। और क्या करना फ्रेंड, आपको यहाँ पे इस टाइप से बड़ा करना है, अपने फोटो के साइज़ का कर लेंगे और यहाँ पे फुल स्क्रीन करके आपको यहाँ पे इसे ब्लेंड पे जाके इसे स्क्रीन कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। और क्या करना फ्रेंड, आपको यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से जो ये वाला इफेक्ट आपके चेहरे पर आ चुका है यहाँ से इसे इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आपको फिर से राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर से कर देंगे।
फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पिक्सल आर्ट वाला काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे ड्रॉ पे जाएंगे और आप यहाँ पे दिखेंगे 3 डॉट, यहाँ पे क्लिक करके अपनी फोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फोटो को सिर्फ एक क्लिक में एडिट कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये क्योंकि सबसे मेन काम है। तो इस वाली फोटो मैं फटाक से अपने लाइट रूम में ओपन कर लूँगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपने लाइट रूम को ओपन कर लिया है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे ऊपर ऑल फोटो वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको एक प्रीसेट मिलेगा ही वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रीसेट है और मतलब अपने फोटो में हम जो टून डालने वाले हैं वो इसमें टून ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम इसका जो टून है वो निकालेंगे और अपनी फोटो में डालेंगे। तो मतलब इसके जो फिल्टर हैं इनको कॉपी करेंगे और अपने फोटो में पेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड क्या करना है भाई, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे ऊपर 3 डॉट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा फिर कॉपी सेटिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको हील और मास्किंग फिल कर लेने और यहाँ पे ज्योमेट्री को भी फिल कर लेंगे और यहाँ से राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। तो अभी इसमें जो फिल्टर लगे हुए हैं ये हमने सेव कर लिए हैं। ठीक है, तो ये जो हमने फिल्टर सेव किए हैं ये हमें अपने जो फोटो है उस पर पेस्ट करने हैं। तो मैं अपने फोटो को यहाँ से एडिट कर लूँगा, यहाँ से बैक जाऊँगा और जो हमने फोटो एडिट की थी यहाँ से इसे क्लिक कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे होंगे सबसे ऊपर कोने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अभी हमने उस वाले फोटो से जो कॉपी सेटिंग की थी यहाँ पर हमें वो पेस्ट करनी है अपने इस वाले फोटो में। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा पेस्ट सेटिंग वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक से देखो तो आपको यहाँ पेस्ट सेटिंग कर देनी है। तो आपका फोटो सिर्फ एक क्लिक में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से एडिट हो चुका है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से एडिट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे और ज़्यादा कलर ग्रेडिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी फोटो ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से एडिट कर लिया है। ठीक है, तो क्या करना फ्रेंड, आपको अपनी फोटो गैलरी में सेव करनी है। तो आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पे जाके आपको यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो ये वाली फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। इस वाले प्रीसेट की लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे वहाँ से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि आपको आगे भी इस टाइप की एडिटिंग ट्रिक्स मिलती रहे। ठीक है, और जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।